नमस्ते मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 भाग 2। तो मित्रों, अगले भाग 1 में हमने धूम्रपान वर्जित है यहाँ तक की चर्चा की थी। अब आगे देखेंगे तो पान नंबर 21 पर सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। सज्जन, तो सज्जन का अर्थ होता है भला आदमी। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। बराबर, दुकान के सामने देखो स्कूटर आपको दिखाई देता होगा और फिर वह लड़का अंदर चला गया। इस पर एक सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे तो क्यों मना नहीं किया? वह बोला कि यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आदर्श की बातें तो करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। बराबर, हमारे समाज में भी, हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदर्श की, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए थे। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। मग्न का अर्थ होता है तल्लीन। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। झांकना है उसका अर्थ होता है बाहर खोलने। जो मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह, माह का अर्थ होता है महीना, का किराया मांगने बार बार आ रहा था। किराया का अर्थ होता है भाड़ू। उन्होंने अपने बच्चे से समझा कर बाहर भेजा और जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक, तपाक का अर्थ होता है झड़प से। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। क्या कहा था बच्चा ने? पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक तो हंसने लगा और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना इसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए और सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना चाहिए। बराबर, राह देखना। फिर आगे है, एक दिन की बात है कि वे जल बिजली के बिल जमा करने गए थे और साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। चित्र में आपने देखा होगा कि लोग बिजली के बिल भरने के लिए जा रहे हैं। देखो लंबी लाइन है और एक दादाजी खड़े हैं, उसके पास एक बच्चा है, वह उनका पोता था। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार, कतार का अर्थ होता है लाइन, और वे उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो तो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि, राशि का अर्थ होता है पैसा, उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा कि दादाजी दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर आसपास के जो लोग थे वह भी, इकट्ठे हुए लोग भी हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और वे हंसी के पात्र भी बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करने में सदैव समानता रखनी चाहिए। समानता का अर्थ होता है एक समान है, मतलब कि जे कहिए एज करवू जोइए, पछी कहिए जुदू अन करिए जुदू, એ કોઈ કામનું નહીં। એવા વ્યક્તિને ક્યારેય આપણને સન્માન મળતું નથી। બરાબર, આપણે આસપાસ પણ ઘણા લોકો આપણને એવું જોવા મળતા હોય, આપણે પોતે જ એવું કહીએ છીએ કે કચરો કચરાપેટીમાં નાખવો જોઈએ, પરંતુ આપણે પોતે જ ઘણી વખત કચરો કચરાપેટીમાં નાખતા નથી હોતા, એટલે કે કહીએ છીએ ખરા પણ કરતા નથી। તો હવે આગે શબ્દાર્થ દેખેંગે તો સંવારા, સંવારા કા અર્થ સજાયા। અંતર, અંતર કા अर्थ होता है भेद, फर्क। बराबर, पार्क, पार्क का अर्थ होता है बाग, बगीचा।
कतार, तो कतार का अर्थ होता है पंक्ति, लाइन। वर्जित, वर्जित का अर्थ होता है निषेध, मनाई। कंडक्टर, उसका अर्थ होता है परिचालक। शीघ्र, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। तपाक से, तपा के लिए जोर से, झड़प से। पोता, तो पुत्र का पुत्र। और प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। राशि, राशि का समानार्थी होता है रकम। आचरण, आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। और सदैव, तो सदा के लिए। मुहावरे है गुणों की खान, तो बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना, तो बहुत लज्जित होना। बराबर। अब अभ्यास है तो वो तो हम जब मीटिंग करेंगे तब देखेंगे। बराबर। प्रश्न दो देख लेते हैं, तो पहला चिन्ह किसका है, तो प्रश्नार्थ चिन्ह का है। दूसरा है पूर्ण विराम का। तीसरा है उद्गार चिन्ह अथवा विस्मय चिन्ह भी कहते हैं उसे। आगे है जो वह है अल्पविराम का। पांचवा चिन्ह है वह है अवतरण चिन्ह है। और छठा है वह योजक चिन्ह है। बराबर। आगे ब है, तो फूल तोड़ना मना है। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो मना है उसके पीछे क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। वाह के बाद उद्गार चिन्ह आएगा, कितना सुंदर दृश्य है, पूर्ण विराम। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, वर्जित है उसके बाद पूर्ण विराम और धूम्रपान वर्जित, दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। धारा रात दिन पड़ती रहती है, रात दिन दोनों के बीच योजक चिन्ह आएगा। और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आएगा। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह है। बराबर। और प्रश्न तीन है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर जो भी जातिवाचक संज्ञा है उसके पास आपको क्या करना है, गोल राउंड करना है। तो पहले वाक्य, जो पहला वाक्य है उसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक का निर्देश करता है, तो प्राणियों। बराबर। शिल्पा ने चार पौधे लगाए, उसमें पौधा वह जातिवाचक संज्ञा है। आगे है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। बराबर। तो शहर। बराबर। आगे है फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल उसके ऊपर गोल राउंड आएगा। अब है प्रश्न चार, तो कथन करने में समानता रखने में कौन कौन सी मुश्किलें आती है या नहीं, ये तो आपको चर्चा करनी है सिर्फ। प्रश्न पाँच देखेंगे, तो परिच्छेद का उत्तर देखकर आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिए गए हैं वे प्रश्न उस परिच्छेद में ही है। बराबर। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ये प्रश्न इस पैराग्राफ में ही है, उसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। फिर स्वाध्याय क्या है, तो कथनी और करनी में अंतर के बारे में आपके जो विचार है वो लिखने हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। आगे है प्रश्न दो, कथनी और करनी में अंतर विषय में आपके दोस्तों ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़ना है। फिर प्रश्न तीन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, तो फूल तोड़ना मना है, तो ऐसा दूसरा कौन सा वाक्य होता है, तो कथनी और करनी में हमें समानता रखनी चाहिए। बराबर। फिर फूल सबको अच्छे लगते हैं आदि, जितने भी वाक्य बनते हैं उतने सब वाक्य आपको बनाने हैं। तो मित्रों, इस पाठ में से हमें क्या सीख मिलती है कथनी और करनी में, तो हमें सदा ही अच्छा आचरण करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए और कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। जो बात कहते हैं वही हमें करनी पड़ती है, कहते कुछ है और करते कुछ है तो समानता नहीं है और हमें जग में सम्मान भी नहीं मिलता है, इसलिए हम जो कहते हैं वही हमें करना चाहिए। तो भाग दो और अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।